सबसे पहले यहाँ आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया है। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले, मुझे खुशी है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया, लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लग्गू पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा, पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी, बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थीं। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी ज़मीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ तो लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ कैंडिडेट है, ये तमाम तरीके की बातें हाल फिलहाल के वर्षों में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जोड़कर कही जाती थी। पर जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन इन चुनावों में रहा, जिस मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, सारे आंकड़े आप लोग के समक्ष हैं, आप लोग की जानकारी में है कि किस तरीके से अधिकांश सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए, महज 4000, 5000, 6000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज़ की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहां पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन मैं इस बात को भी उतनी विनम्रता से मैं कबूल करता हूँ कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनिस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे हैं कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन NDA में जाकर जुड़े, VIP वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब पापा का उनका निधन हुआ,
और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। 8 तारीख सुबह पहली बार मुझे इस बात की जानकारी मिली और 8 तारीख शाम को 6:05 पर पापा का निधन हुआ। और उसके उसी रात 12:30-1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची लेकर मैं बैठा। 9 तारीख सुबह से लेकर 19 तारीख तक, क्योंकि 20 तारीख को तीसरे फेज का अंतिम मतदान नॉमिनेशन फाइल करने की डेट थी 20 तारीख को, तो 9 से लेकर 19 तारीख तक ये 10 दिन में 135 योद्धाओं को तैयार कर कर उनको ना सिर्फ हम लोगों ने रणभूमि में उतारने का काम किया, बल्कि जिस तरीके से चुनाव लड़े, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, मुझे कम से कम खुशी है, गर्व है अपने तमाम प्रत्याशियों पर कि विपरीत परिस्थिति में भी, लास्ट मिनट होने के बावजूद विपरीत परिस्थिति में सीमित संसाधनों के साथ जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके लिए मैं अपने तमाम प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूं। तमाम प्रत्याशियों पर मुझे गर्व है, पार्टी को गर्व है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा। और जैसा मैंने कहा कि ये एक मजबूत नींव तैयार हुई है आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी की, आने वाले समय में जितने प्रत्याशियों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, कई ऐसे गठबंधन हैं जो कि 4-4 दलों के साथ, 5-5 दलों के साथ रणभूमि में उतरे हुए थे, जिनको एक लंबे समय से पता था कि उनको किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, कहां पर उन्हें अपने प्रत्याशी उतारने। हम लोग की परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत थी, ना हम लोग को सीटों की जानकारी थी, और एक लंबे समय तक जिस अलायंस में हम लोग थे, एनडीए का हम लोग जहां पर बिहार में हिस्सा थे, उसको भी लेकर एक लंबे समय तक क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों में जो समय हम लोग के हाथ से गया, और उसके बाद फिर अगले 10 दिन 8 तारीख के बाद के, जब जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो 10 दिन भी प्रचार में सक्रिय रूप से जाना मेरे लिए संभव नहीं था। एक लंबे समय के बाद हम लोगों ने चुनाव प्रचार की, हम लोगों ने शुरुआत की। बट बहरहाल ये तमाम परिप्रेक्ष्य आप लोगों के सामने देने का मेरा एकमात्र कारण है, एकमात्र लक्ष्य है कि ये जिन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसीलिए कल से ईमानदारी से मैं बोलूँ, जिस उत्साह के साथ पार्टी है या जिस उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 8 तारीख की वो रात एक ऐसी रात भी थी जब हम लोग संभवतः परिस्थितियों के सामने घुटने भी टेक सकते थे, हम लोग अपने हाथ खड़े कर सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि भैया पापा का निधन हुआ है, नहीं तैयार है पार्टी अभी की तारीख में, नहीं तैयार है हमारे प्रत्याशी, हम लोग शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर मुझे खुशी है कि हम लोगों ने घुटने नहीं टेके, हम लोगों ने परिस्थितियों के सामने हम लोग झुके नहीं, और बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया, पार्टी की एक मजबूत नींव को हम लोगों ने तैयार करने का काम किया। मैं एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं की कारण से आज पुनः जिस तरीके से एनडीए की सरकार बिहार में बनना संभव हुई है, और कल जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का उन्होंने नारा दिया, और जिस तरीके से बिहार को लेकर वो एक नई सोच के साथ आए कि आने वाला जो दशक है वो बिहार में विकास की एक नई धारा खड़ी करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके संरक्षण में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, तो यकीनन जो एक लंबे समय से हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। मैं बिहार के तमाम मतदाताओं का, पूरे बिहार की जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया, अकेले पार्टी चुनाव में उतरी उसके बावजूद जिस तरीके से लगभग 25 लाख लोगों का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को मिला, बाकी भी अगर आप दलों को देखें जो 4-4, 5-5 झंडे के साथ भी जो चुनाव में उतर रहे थे, कोई 55 लाख, कोई 60 लाख के आसपास उनको समर्थन मिला है, तो ऐसा नहीं कि रेस में कहीं लोक जनशक्ति पार्टी एकदम इररेलीवेंट है या एकदम छूट गई है। 15-16% जिस तरीके से गठबंधन के साथियों को मिला, 4-4 गठबंधन होने के बावजूद, और वहीं लोजपा को जिस तरीके से 6% का मत प्रतिशत हम लोग को मिला, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया, उसमें अपना विश्वास रखा, इस विश्वास को इसी तरीके से आने वाले समय में बरकरार रखा जाएगा। ये वादा मैं बिहार की जनता से करता हूँ, ये वादा मैंने किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना है। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद यकीनन प्रधानमंत्री जी का भी अपना योगदान रहेगा, पर लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में यहाँ से अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
संघर्ष हम लोग करते रहेंगे और अंतोगत्वा मैं फिर से आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का को बधाई देता हूं, वहीं बिहार की जनता के लिए इस डिसाइसिव मैंडेट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत मैंडेट बिहार की जनता ने दिया उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ। जी आप हार की परिभाषा पहले बताइए, हार की परिभाषा क्या है? मैं यकीनन मैं चाहता था कि हम लोग सीटें हम लोग ज्यादा चुने, सीटें हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते, ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या है। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग दुगने मत प्रतिशत पर हम लोग गए हैं। जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा कहाँ हैं, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा आसान होगी। एक मेरा सवाल है मुख्यमंत्री को लेकर, आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे याद है कि नीतीश कुमार किसी कीमत पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए, 7वीं बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के और एक रिकॉर्ड भी काम हो रहा है, ऐसे में चिराग पासवान इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि बार बार आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी नहीं बनने। नहीं देखिए बिल्कुल मेरा पहले बन तो जाए, मेरा लक्ष्य जरूर ये था, मैं जरूर ये चाहता था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। और उसके लिए मैंने ईमानदार मैंने कोशिश की, मेहनत की, जनता के बीच मैंने अपनी बातों को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को मैंने जाकर रखने का मैंने प्रयास किया। पर अंतोगत्वा जो जनादेश सामने आया है, लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक नेता और मैं खुद स्वयं, हम लोग उस जनादेश का पूरी तरीके से हम लोग सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, अगर ये लोक जनशक्ति पार्टी के हाथ में होता या हमारे उसमें कोई भूमिका होती तो ज़रूर मैं उसमें हस्तक्षेप करता और मैं अपनी बातों को रखता। पर आज की तारीख में जिस तरीके से क्लियर मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आया है, अंतोगत्वा ये निर्णय अब उन्हीं को लेना है कि प्रदेश का नेतृत्व वो किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं।